डियर फ्रेंड्स, प्लांट आइडेंटिफिकेशन सीरीज में मैं डिफरेंट प्लांट स्पीसीज को लेकर आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में है गोल्डन ड्यूरेंटा। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गोल्डन ड्यूरेंटा क्या है, किस तरह से इसको प्रोपिगेट किया जा सकता है, कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है, कौन कौन सी इसकी वैरायटी है और क्या क्या यह यूज़ में आता है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं गोल्डन ड्यूरेंटा। गोल्डन ड्यूरेंटा, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्यूरेंटा इरेक्टा ड्यूरेंटा रेपेंस, फ्रेंड्स यह है वेरबेनेसी फैमिली की एक बुश है जो कि 17 डिफरेंट टाइप्स में पाई जाती है। और अगर इसका नेटिव प्लेस देखें तो यह है सदर्न फ्लोरिडा से लेकर मेक्सिको और सदर्न अमेरिका तक यह नेटिव प्लेस इसका माना जाता है। अगर इसके कॉमन नेम देखें तो इसको गोल्डन ड्यू ड्रॉप, टियर ऑफ डिपार्चर, फॉरगेट मी नॉट बुश और पीजन बेरी के नाम से जाना जाता है। इसके और भी बहुत से नाम हैं लेकिन यह है इसके कॉमन नेम है जो मैंने आपको बताए हैं। अब देखते हैं इसकी वैरायटीज़। तो इसकी वैरायटीज़ है में इंक्लूड किया गया है एल्बा, गोल्डन एज, सेफियर ए शार। और फ्रेंड्स, जो ये ड्यूरेंटा है वह ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक इन्वेजिव वीड की तरह रजिस्टर्ड किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ यह एक हेज प्लांट की तरह ग्रोन किया जाता है। फ्रेंड्स, यह एक एवरग्रीन ड्रोट रेजिस्टेंट वेरिएबल श्रब और स्मॉल ट्री है जो कि 1 से 3 मीटर तक की हाइट या हम यह कह सकते हैं कि 12 फीट तक की हाइट लेता है। इसमें ड्रूपिंग ब्रांचेस पाई जाती है जिसमें कि आर्म्स स्पाइंस पाए जाते हैं। इन्हें हम इन शाखाओं के अंदर इजीली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह एक मेंटेनेंस फ्री प्लांट है। इसे एक हेज प्लांट की तरह, ऑर्नामेंटल श्रब, सिंगल प्लांट की तरह काम में लिया जा सकता है। यह इंडोर आउटडोर प्लांटिंग के लिए बेस्ट प्लांट है और लॉन बेस के लिए भी यह बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह यह किचन गार्डनिंग के लिए भी सुटेबल माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो पत्तियां हैं वह स्मूथ टेक्सचर्ड वाली, ब्राइट ग्रीन और वेरीगेटेड कलर वाली होती है। तो अगर इसमें सनलाइट को देखें तो फ्रेंड्स, इसके लिए फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन यह मिनिमम 4 आवर्स की सनलाइट में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोन किया जा सकता है। इसकी जो पत्तियां हैं उनका कलर पौधे को मिलने वाली धूप के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, यानी यह लाइट ग्रीन से लेकर डार्क ग्रीन तक इसका पत्तियों का कलर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें सॉइल देखें इसको ग्रोन करने के लिए तो यह सभी प्रकार की सॉइल में ग्रोन किया जा सकता है। स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल भी इसके लिए अच्छी रहती है। फ्रेंड्स, अगर इसमें फ्लावरिंग देखें तो इसमें फ्लावरिंग जो है थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। इसमें टाइनी ब्लू कलर के जो फ्लावर है वह पेनिकल की फॉर्म में या लूज रेसिम की फॉर्म में पाए जाते हैं और ये जो फ्लावर्स है यह हमेशा न्यू ग्रोथ पर ही बॉर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वह हमिंग बर्ड, बीज, इन सब को अट्रैक्ट करते हैं और जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए यह फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और इसके जो सीड्स होते हैं इनका स्प्रेड जो है बर्ड्स के द्वारा ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो बेरीज होती है वह ग्लोसी ऑरेंज कलर्ड ग्लोबस होती है और यह हैंगिंग क्लस्टर में पाई जाती है। अब फ्रेंड्स, देखते हैं ड्यूरेंटा में प्रोपिगेशन यानी इसका किस तरह से प्रवर्धन किया जा सकता है, किस तरह से इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका प्रवर्धन जो है दो तरीके से किया जाता है, सीड के द्वारा और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीड के द्वारा प्रोपिगेशन। तो सीड के द्वारा प्रोपिगेशन करने के लिए हमको क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें जो बेरीज होती है, बेरीज की जो फॉर्मेशन होती है उसमें से सीड को एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया जाता है और ये जो सीड होता है उसको सॉइल में 2 इंच की डेप्थ पर शोन कर दिया जाता है और ये जो सीड होता है वह 10 से 18 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाते हैं। तो सीड से हम कैसे प्रोपेगेट करेंगे, इसकी जो बेरीज होती है उसको हम जेंटली प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने से क्या होता है, राइप बेरीज में से सीड जो है बाहर निकल आते हैं और इन सीड्स को हम
नर्सरी में या हमारे पास जो पॉली बैग है उनके अंदर शोन कर देते हैं और इससे जो सीड जो प्लांट है वह तैयार हो जाता है। अब दूसरा मेथड आता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, यानी वानस्पतिक रूप से प्रवर्धन। तो वानस्पतिक रूप से इसको प्रवर्धन कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हमें लेनी है सेमी हार्डवुड से लेकर हार्डवुड कटिंग लेनी है, यानी अर्ध परिपक्व या पूर्ण रूप से परिपक्व तना कलम है वह काम में ली जाती है। और हमें कलम की लेंथ कितनी रखनी है, 15 सेंटीमीटर, और डायमीटर उसका होना चाहिए 4 to 8 mm डायमीटर। तो यह जो कटिंग है हम कहाँ से लेंगे, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग हेज है वहाँ से हम यह कटिंग लेंगे। तो जगह जगह आप जहाँ भी किसी गार्डन में या कहीं भी जाओगे वहाँ पे आप ये गोल्डन ड्यूरेंटा इजीली देख सकते हो, वहाँ से हम सुटेबल जो है कटिंग ले सकते हैं। तो कटिंग लेने के पश्चात क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो लीव्स होती है मोस्ट ऑफ द जो लीव्स है कटिंग से रिमूव कर देनी चाहिए, सिर्फ 3 से 4 हेल्दी लीव्स जो है वह कटिंग की टॉप पे रखते हुए हमें सभी लीव्स को रिमूव कर देना है। और यह जो हमारे पास कटिंग है इसको हम रूटिंग हार्मोन में इसका जो बेस है उसको डिप कर देते हैं और फिर इसे हम पॉली बैग में या पॉट में या प्रिपेयर्ड लैंड जहाँ भी है वहाँ हम इसे कटिंग को लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो ड्यूरेंटा है वह इजीली रूटेड प्लांट है, इसे आप अगर रूटिंग हार्मोन का प्रयोग करते हुए लगाते हो तो वह बहुत जल्दी रूटिंग कर जाता है, अदरवाइज अगर हम इसको साथ बिना रूटिंग हार्मोन के भी लगाते हैं तो भी यह इजीली रूटिंग कर जाता है, बस हमें टाइम टू टाइम मॉइस्चर की सप्लाई करनी होती है। और फ्रेंड्स अगर आप नर्सरी से पॉली बैग में प्लांट लेके आए हो तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो तैयार ज़मीन होती है यानी हमने जो लैंड तैयार कर रखी है इसको लगाने के लिए उसमें पॉली बैग के साइज़ का ही गड्ढा बनाते हैं और उसके अंदर ढीली मिट्टी के अंदर ये पौधा लगा कर जेंटली प्रेस कर देते हैं। और अगर हम इस कटिंग को घर में पॉट में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया जाता है वह एरिएटेड होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। और पॉटिंग मिक्स में हम क्या क्या काम में ले सकते हैं, इसके लिए हम रिवर सैंड, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक, इन सब का मिक्सचर जो तैयार करके एज ए पॉटिंग मिक्स हम काम में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो प्लांट है वह एक हेज प्लांट की तरह यूज़ किया जाता है, यह एक मेंटेनेंस फ्री प्लांट है और अगर इसमें प्रॉपर प्रूनिंग की जाती है तो इसके द्वारा ब्यूटीफुल जो फिगर्स है वह तैयार की जा सकती है। अगर इसमें टाइमली प्रूनिंग नहीं की जाती है तो विद इन 5 ईयर के अंदर यह एक ट्री की फॉर्म में आ जाता है, इसलिए इसमें रेगुलर प्रूनिंग करना ज़रूरी है। रेगुलर प्रूनिंग करने से ही इसमें डेंस ग्रोथ आती है। तो फ्रेंड्स समर सीजन में इसकी प्लेंटी ग्रोथ लेने के लिए हमें क्या करना है, विंटर सीजन में इसको कट बैक करना है सीवियरली, यानी विंटर सीजन में अगर हम इसको डेंसली हम इसको कट बैक कर देते हैं तो समर सीजन में बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। अगर इसमें वाटरिंग की बात करें तो इसमें अगर गर्मियों में देखें तो गर्मी में 7 डेज के इंटरवल पर और सर्दी में 15 डेज या 10 डेज के इंटरवल पर इस पर इरीगेशन करके हम इसको अच्छी तरह से ग्रोन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने गोल्डन ड्यूरेंटा के बारे में जाना है कि कैसे इसको प्रोपिगेट किया जा सकता है, कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है, कौन कौन सी इसकी वेराइटी है। तो फ्रेंड्स इन सब के अलावा एक और विशेष बात है कि इसकी जो लीव्स है या जो अनराइप बेरीज होती है वह छोटे बच्चों के लिए डॉग या कैट इनके लिए पॉइजन का काम करती है, इसलिए छोटे बच्चों को इनकी बेरीज से दूर रखना चाहिए क्योंकि इनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, इसके कारण बच्चों में डायरिया, वोमिटिंग, फीवर इन सब की समस्या आ सकती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना है ड्यूरेंटा के बारे में। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।